एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और साथ में प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा वॉच किया करें। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं बड़ा सच धज के आप सबके सामने प्रेजेंट हुई हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैंने आज आप सभी के लिए एक छोटा सा मेकअप लुक क्रिएट करा है, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद फंक्शन आने वाले हैं, शादियाँ वगैरह आने शुरू होने वाली है। तो शादियों के लिए हमें मेकअप तो फर्स्टली ज़रूरी चाहिए होता है, तो इसी के लिए आज मैंने आपके लिए थोड़ा सा मेकअप लुक क्रिएट करा है कि इंडियन वाइफ, हाउसवाइफ जो होती हैं, जो किस तरह से बहुत इजी वे से मेकअप करके शादियों या फंक्शन में बहुत ही अच्छा सा ग्लो शाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, और मैंने जिस तरह से मेकअप क्रिएट करा है, अगर आप लोग भी करना चाहो तो आपका फेस और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और अट्रैक्टिव लगेगा। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, और गाइज अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने आपका ये आज का लुक क्रिएट किया है। तो लेट्स सी। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप शुरू कर दें, एलोवेरा जेल जो मेरा प्राइमर का और सीरम का काम करेगा। तो इसको मैं अपने फेस पे पूरी तरह से अप्लाई कर लूँगी, जब से एब्जॉर्ब हो जाए तब तक मैं इसको अपने फेस पे लगाती रहूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से मेरे फेस पे चला जाए। और कोई भी जो होता है ना कि जल्दी से लगाने के बाद छोड़ दे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, अच्छे से इसको लगाना है ताकि पूरी तरह से अपने फेस पर चला जाए। और मैं लिप्स पर भी इसी को अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। इसके करने के बाद अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा मेबलिन का मास्टर स्ट्रोक क्रीम जो होती है, वो मैं लगा रही हूँ। इसको हाइलाइटर के तौर पे भी लोग यूज़ करते हैं, तो मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो ये काफ़ी पुराना ब्रांड है, बट मैंने कुछ टाइम पहले ही लिया है, तो इसको एज ए हाइलाइटर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अब मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी अच्छी तरह से। इसको लगाने से फेस पर एक चमक सी आ जाती है, एक ग्लो और एक शाइन सी पहले से ही आना शुरू हो जाती है। तो मैं लगा रही हूँ, अब आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो अभी देखने को मिल जाएगा। जो इसकी शाइन होती है ना, वो उसी टाइम दिखने लग पड़ती है। ये देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा फेस पे चमक सा, थोड़ा ग्लो सा आना शुरू हो गया है। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद मैं अब करूँगी, हमारा फाउंडेशन लगाना है। तो ये मैं स्विस ब्यूटी का जो मेरे पास फाउंडेशन है, मैं उसको लगा रही हूँ विद माई ब्यूटी ब्लेंडर। ड्यूटी ब्लेंडर को आप सभी को पता है पानी में डिप करके रखना होता है, उसको पानी सारा निकाल देना चाहिए ताकि अच्छे से फूल जाए, उसके बाद इसको अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे जो फाउंडेशन है इसमें चला जाता है और जो हमें रिज़ल्ट चाहिए वो अच्छे से नहीं मिलता है। और उसको करने के बाद हमारा अच्छा सा रिज़ल्ट भी मिलता है, और हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, और फेस पर अच्छा हमारा वर्क देता है। तो इसी तरह से मैंने इसको लगाया है, अब इसको अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से हमारा फेस पे ये सेट हो जाए और कहीं बेबी दाग धब्बे ना दिखे। आज मैं यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, कंसीलर यूज़ करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता आज ज़रूरी है करना, क्योंकि इससे ही हमारा फेस पहले से ही क्लीन और सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको करना है काफ़ी टाइम तक करने के बाद। अब इसमें लगाऊँगी मैं कॉम्पैक्ट जो है लैक्मे का सन प्रो मेरे पास। इसको अपने फेस पे अच्छी तरह से लगाऊंगी ताकि जो हमारा फाउंडेशन है इस पर सेट हो जाए और कहीं से भी ये जल्दी से ना निकले, ताकि ये हमारा मेकअप ऑलमोस्ट 10 आवर्स तक रहे, ताकि इसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैं अच्छी तरह से अपने पूरे फेस पे इस पर अप्लाई करूँगी। मैंने थोड़ा सा पहले काजल लगाया हुआ था, जिससे आपको दिख रहा होगा पहले मेरी आईज थोड़ी काली लग रही है, तो मैंने पहले इससे ही थोड़ा सा काजल लगाया हुआ था दिन में। तो चलिए जी, ये स्टेप भी ऑलमोस्ट हो गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे अपने ब्रोज़ को फिल करेंगे। यहाँ पे मैं एक ब्लैक और ब्राउन कलर थोड़ा सा शेड ले रही हूँ साथ में मिक्स करके। तो आप लोग के पास जो भी अवेलेबल हो, जो आपको सूट करता है अपने ब्रोज़ पे, आप उसको ले सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी यही अप्लाई करा है, जो मैं हमेशा से लगाती आ रही हूँ उसी को अप्लाई करा है। तो एक्स्ट्रा को थोड़ा सा अपने हाथों से क्लीन कर लूँगी ताकि ये अलग सा ना दिखे। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा अब हमारा आई शेडो। अपनी आईज़ को सुंदर बनाना है, इसके लिए मैं एक पिंक सा कलर ले रही हूँ, डार्क पिंक लगाना है, क्योंकि ये वेडिंग मेकअप दिखा रही हूँ मैं आपको, तो वेडिंग में तो थोड़ा हाई ही चलता है। तो यहाँ मैं एक ही कलर लूँगी आज आपके सामने, पिंक कलर का लाइट डार्क पिंक लगाएंगे हम इसको। तो इसको अच्छी तरह से अप्लाई करना है, अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि ये अच्छी तरह से हमको रिज़ल्ट दे। दोनों तरफ को मैं इक्वली कर लूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा
अलग सा शेड देना जब शुरू हो जाएगा तो हम इसको हटा देंगे। तो ये देखिए मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट हो गया है, तो मैंने इसको लगाना अब बंद करना है। तो अब इसको पूरी तरह से लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप अब मेरा होगा, थोड़ा सा मैंने सोचा यहाँ पे ग्लिटरी आइज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ग्लिटर भी अपने आइज़ के ऊपर लगा रही हूँ, ताकि दो हमारी आइज़ में ना, मैंने थोड़ा सा मेकअप आइज़ मेकअप कम करा है तो ये इसको पूरा कर देगा। इसके बाद लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर पिंक कलर का ही ग्लिटर लगा रही हूँ, जो मेरी आइज़ की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा चार चांद लगा देगा। और आप लोग देख रहे होंगे ये लगा भी रहा है। तो ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। नेक्स्ट स्टेप होगा अब हमारा, इसके नीचे थोड़ा सा मैं यही पिंकिश जो शेड था वही आइज़ के नीचे भी ड्रॉ करूँगी, ताकि आइज़ की जो हमारी ब्यूटी है और जो शाइन है वो इक्वली लगे, ताकि आइज़ के नीचे भी हमारा जो मेकअप हमने ड्रॉ करा है आइज़ का वो भी थोड़ा सा दिखना चाहिए। तो इसके बाद हम लगाएंगे आईलाइनर, जो मेरे पास मेबलिन का है। मेबलिन का आईलाइनर वैसे बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, मैंने बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो अब मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी। आप लोग चाहो तो काफ़ी मोटा भी लगा सकते हो, या फिर आपको मोटा बिल्कुल पसंद नहीं है तो थोड़ा लाइट भी लगा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगा आप लोग वैसे अप्लाई कर सकते हो। आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा पतला लगा रही हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है मुझे लाइनर, इसलिए मैंने विंग्स तो बनाई है बट छोटी छोटी विंग्स बनाई है और थोड़ा लाइट ही रखा है, बहुत हैवी नहीं रखा है, क्योंकि कभी कभी लाइट भी ट्राई करना चाहिए। तो ये भी मेरा आईलाइनर ऑलमोस्ट डन है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा मस्कारा, इसको भी लगा लेती हूँ, ताकि जो भी हमारा पाउडर डस्ट वगैरह पड़ा है हमारे फेस पे की लैशेस पे वो भी क्लीन हो जाए। तो ये ऑलमोस्ट डन है। अब थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा लेती हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कहूँ तो पिंकिश और ब्राउन कलर की एक लिपस्टिक थी मेरे पास, बिल्कुल ही लाइट ही, उसको मैं फिंगर के साथ ही लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसको डबल शाइन देनी है, इसीलिए पहले मैंने सोचा इसको अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद ही नेक्स्ट लिपस्टिक लगाऊँगी जो भी लगानी है। इसको लगाने से क्या होगा, ये डबल शेड देगी, एक ये भी लगाएगी और ये भी हमें कलर देगी, और जो मैं उसके बाद हुडा की लगाऊंगी वो भी हमें अच्छा सा रिजल्ट देगी, मिक्स करके लगाएंगे हम। तो ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको अच्छे से लगा लिया, अगर ये भी लगाएंगे तो भी अच्छा लग रहा है, बट इससे हमारी जो लिप्स की क्रीज वगैरह बनती है वो नहीं बन रही है। तो ये तो ऑलमोस्ट हो गई है थोड़ी सी। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लिपस्टिक मैट भी लगा लेंगे, ताकि जो अच्छा सा ग्लो है हमारे लिप्स की जो ब्यूटी है उसको हमें क्रीज बनाकर ही दिखाना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक मैरून सी कलर, जैसे मैरून भी नहीं है, ये डार्क लिपस्टिक पिंक कलर की ही लग रही है मुझे, तो ये भी मैंने लगा ली है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप अब हो, तो लिप्स का काम फिनिश होने के बाद थोड़ा सा ब्लशर भी लगा लेते हैं, थोड़ी सी पिंकिश शेड दे लेते हैं अपनी चिक को। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा से मैंने कर लिया है। अब इसके बाद हमारा मेन है हाइलाइटर, तो हाइलाइटर भी लगा रही हूँ ताकि हमारे मेकअप को पूरा करे और थोड़ा थोड़ा सा फेस को ज़्यादा ग्लोइंग कर दे, ताकि पार्टी मेकअप है हमारा, वेडिंग मेकअप मैंने ड्रॉ करा है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आइज़ के नीचे मैंने फिंगर से लगाने की कोशिश करी बट मुझे लगा नहीं, इसको थोड़ा सा हमें अपने पेन या फिर ये जो है हमारा मेकअप लगाने के लिए जो मैंने ली हुई है मेकअप ड्रॉ स्टिक से, इसी से ही लगाना बेटर रहेगा, इसलिए मैंने इसके साथ लगाना शुरू करा है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा मैंने अपनी ब्रोज के नीचे भी लगा लिया है, क्योंकि यहाँ भी फील करना ज़रूरी था। तो गाइज चलिए अब मैं आपको जल्दी से अपना मेकअप लुक फाइनल दिखाती हूँ कैसा हुआ है, और मुझे आप लोग को बताना कैसा लगा आपको मेरा मेकअप लुक। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप होगा हमारी बिंदी, जो हमारी इंडियन के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं बिंदी भी लगा रही हूँ जल्दी से, बिंदी भी मैंने यहाँ पे अच्छे से लगा ली है। अब इसके बाद मैं ईयरिंग्स भी डाल लूँगी, ईयरिंग्स को भी दोनों तरफ से अच्छे से डाल लेना है। ओके गाइस, तो आपने देख लिया होगा किस तरह से मैंने बहुत ही इजी स्टेप से अपना ये मेकअप लुक क्रिएट करा है। तो आई होप आप लोग भी अच्छे से सीख गए होंगे, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों से ही आप लोग बहुत ही अच्छा इंडियन हाउसवाइफ मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। जो भी लेडीज़ हैं, जो भी कुछ टाइम बाद फंक्शन में जाने वाले हैं, तो इस तरह से अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आप बहुत ही अच्छा मेकअप कर सकते हो घर में ही। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना है, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।